सिरसा के डबवाली शहर के वार्ड 12 व 15 में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली दो सहेलियां स्कूल से छुट्टी के बाद घर आ रही थी, अचानक पीएनबी फाटक से पहले लापता हो गई। वहीं उन्हीं के साथ आ रही छोटी क्लास में पढ़ने वाली सगी बहन ने लापता होने की खबर घर आकर परिजनों को दी थी। गौरतलब है कि दोनों लड़कियां अपने स्कूल बैग के साथ लापता हो गई। वहीं इस घटना के बाद बठिंडा रेलवे स्टेशन के बाहर एक होटल के सीसीटीवी में लड़कियां एक रिक्शे पर सवार होकर जाते भी कैद हुई हैं। वहीं परिजनों की ओर से बठिंडा क्षेत्र में तलाश शुरू की गई, जिसके बाद मौका पाकर शहर थाना पुलिस भी सीसीटीवी कैमरा की फुटेज के आधार पर सुराग जुटाने में जुटी है। वहीं पीड़ित दोनों परिवार की ओर से पुलिस को लिखित में सूचना देकर जल्द से जल्द लापता हुई दोनों लड़कियों का सुराग जुटाने की गुहार लगाई गई है। दीदी नहीं दिखी बड़ी ओ गंदी मम्मी, फिर मैं वापस गई नहीं, यहाँ से बता के मैं चली गई दोबारा देखन, उधर दिखी नहीं। फिर इसकी मैं सहेली के घर गई, सहेली को उससे पूछा मैं, गई आई गुड़िया तेरी, नहीं इधर तो आई नहीं आंटी, मैं कहाँ हूँ, मैं भी ढूंढ रही हूँ, तो मुझे पता मम्मी तो मेरी है ही नहीं यहाँ पे, मम्मी पता नहीं किस लड़की को लेके अपनी गई थी वहाँ, कि वहाँ दवाई लेने गई है। उसके बाद वो कुछ बोला ही नहीं उसने, फिर मैं सीधा घर ही आ गई, घर इसके पापा आ गए, उन्होंने फिर ढूंढ कोशिश करी और ढूंढ रहे, फिर मिला ही नहीं वो, और फिर जाके फिर अब गए थाने में कोई इतलाई नहीं दी, सुबह भी गए उन्होंने भी सुबह भी नहीं इतलाई दी, जाके फिर गए कहना बठिंडा, कहते ये तो कोई इतलाई नहीं दे रहा, मैं तो बठिंडा जाके तहसील जा, उधर जाके फिर वो कोई कार्रवाई, फिर मैं भी गई कार कहना थाने, उन्होंने मेरे कहते इधर तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। पुलिस क्या बोली आपको? पुलिस कहते आगे जाके कोई कार्रवाई करो अपने, यहाँ तो नहीं लेते, हाँ रेलवे पुलिस के पास जाओ वहाँ इतला होगी। वो कहते मैं तो कुछ कर नहीं सकता, हाँ जी गोल चौक जाओ, मैं गोल चौक में मैं तो इधर आया, मैं गोल चौक में जाऊँ, कहते नहीं वो तो उधर ही जाके पता लगूगा, यहाँ तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। आप सवेरे स्कूल गई थी कल, तो 2:30 बजे छुट्टी हो जाती है उनकी, उसके बाद 3 बज गए लड़की घर पे नहीं आई, फिर उसके बाद मैं पड़ताल करी कि कहाँ गई, मैं समझी शायद कि ये किसी के घर पे गई होगी, फ्रेंड के घर पे, लेकिन 5 बज गए 6 बज गए वो घर पे आई नहीं, फिर उसके बाद ढूंढना चालू करा मैंने, उसके बाद सारे जगह देख लिया, लड़की का कहीं पता नहीं चला गा, फिर उनके घर पे गया फ्रेंड के, उनने बोला कि मेरी भी लड़की गायब है, इस हिसाब से वो गायब हो गई। फिर उनके यहाँ तो फोटो देखे हुए बलदेव छाबड़ा, यहाँ तो फोटो देगा, फोटो में कैमरे में आई है, उसके आगे कैमरे में नहीं आई। तो वो कहाँ की लोकेशन दिया करी? पीएनबी फाटक के पास, हाँ जी। उसके बाद उसके बाद गुम हो गई। अभी वहीं इस मामले में डबवाली सिटी थाना प्रभारी सत्यवान शर्मा ने बताया कि परिजनों ने आज ही शिकायत दी है, जिसके बाद तुरंत प्रभाव से मामला दर्ज किया गया है और एक टीम दोनों बच्चियों की तलाश में बठिंडा रवाना की गई है, जल्द ही सुराग जुटा लिया जाएगा। अभी हमारे पास इस संबंध में है कंप्लेंट आई थी, जो हमने उस पर FIR लॉन्च कर दी है और उसका जो इन्वेस्टिगेशन का जुम्मा है वो अपने सब इंस्पेक्टर रामस्वरूप जी हैं, उनको जुम्मे सौंपा हमने, और अभी हमारी जो एक टीम है वो लड़कियों की जो लोकेशन लेके वो अभी बठिंडा गए हुए, तो हम इसमें कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी कैमरों की मदद से और उनके मोबाइल के लोकेशन से उनको जल्दी ढूंढने की कोशिश करें। कहाँ से डबवाली से कौन पढ़ती है ये दोनों बच्चे? ये दोनों लड़कियाँ जो सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं और वहाँ से वो कल स्कूल में गई थी, स्कूल में जाने के बाद में फिर छुट्टी होने के बाद वो हमारे को जहाँ तक अभी तक प्रथम दृष्टि से पता लग गया है वो रेलवे स्टेशन से वो गई है बठिंडा, और वहाँ से भी हमने कुछ लोकेशन दी है। बता दें कि फिलहाल परिजनों ने लड़कियों के लापता होने की सूचना डबवाली पुलिस को दे दी है और पुलिस ने परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्य खबर। सत्य सटीक बेबाक।